छोड़ दे वो पीछे रुक जाएंगे तो टिक रोल भरो जाके मारो थोड़ा आगे बस ये बात हुई आने वाला था सभी को पता था लेकिन आई मीन कम ऑन इसने किसी को पता है लेट्स नॉट मेक इट एन इशू राइट डायरेक्ट इधर चल वैसे साची तुम थी कहाँ जो बता के जाता तुम भी तो बिना बताए कहीं गई थी पापा मैं तो आदू के साथ गई थी और मैं इन्फॉर्म करती गई थी घर में और भैया को भी बताया एनीवेज उसको अर्जेंटली जाना पड़ा शायद इसीलिए नहीं बता पाया था ना कई बार ऐसा होता है कि लोगों का आना जाना पहले से डिसाइड होता है जैसे आदू यहाँ आया क्या किसी ने किसी को बताया नहीं बताया व्हाई मेक इट इशू अरे आप सब किन बातों में फंस गए सच्ची बेटे हम बोलो पहले एक्शन रोली अरे ये सब क्या बातें लेकर आप लोग बैठे साची बेटा डीवी को अचानक जाना पड़ा वो जल्दी आ जाएगा तुम चिंता मत करो मैंने कहा अरे चिंता क्यों करे कि माँ साची मैंने इतना तो समझती है कि कभी कभी बड़ी डील्स के लिए जाना ही पड़ता है
यस्निका ऑफ कोर्स समझती है साची, बिजनेस खूब समझती है। अरे वो तो छोटे छोटे कामों के लिए, छोटे से बिजनेस के लिए पंचगनी भागती रहती। और डेवी तो बड़ी डील के लिए गया ना, और डेवी तो बड़ी डील के लिए गया है। माने कहा चलो चल के आ रहा। उसको अर्जेंटली जाना पड़ा, शायद इसलिए नहीं बता पा रहा। कई बार ऐसा होता है कि लोगों का आना जाना पहले से ही तय रहता है, जैसे आदू का यहाँ आना या किसी ने किसी को बताया नहीं ना, तो क्यों इसे बनाया जा रहा है इन बात को। अरे यहाँ सब लोग बैठे क्यों हो, छोटी सी बात को लेकर। साची बेटा डीवी घर वापस जल्दी आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। मैंने कहा चिंता क्यों करेगी साची, अरे भाई होगी तो बिजनेस उन्होंने इतना तो समझती है कि कभी कभी बड़ी डील्स के लिए। माम ने कहा अच्छा आप चलो तुम थके हो आराम करो। Rolling and action. जैसे यहाँ आदू आ रहा था। Rolling. क्या किसी ने किसी को बताया? Slowly roll down. Okay. Slowly आलो. हल्का सेंटर दे, हल्का सेंटर दे, दे दे। आप लोग ये सारी क्या बातें लेकर आए हैं? मैम एक बार थोड़ा एक्शन। जैसे यहाँ आदू आ रहा था, क्या किसी ने किसी को बताया? नहीं ना, तो इस बात का बात तुम मत करो। आप लोग ये क्या सारी बातें लेकर आए हैं? सच में बेटी को अर्जेंट ही लगा चिंता कहाँ करेगी साची। अरे भाई वो तो बिजनेस मैन है ना, और वो तो सारा बिजनेस आप लोग ये क्या सारी बातें कर रहे हैं? साची को अचानक जाना पड़ा, साथी चिंता कहाँ कर रही है। अरे भाई वो भी तो बिजनेस वूमन है, इतना तो समझती है कि कभी कभी बड़ी डील के लिए अचानक जाना पड़ता है। बैठने का अफकोर्स समझती है, बिजनेस खूब समझती है दादा। अरे छोटे छोटे कामों के लिए, छोटे से बिजनेस के लिए रोज पंच के नहीं जाता, छोटे से काम के लिए, छोटे से बिजनेस के लिए रोज पंच के नहीं जाता। आज थोड़ा ऐसे साची थोड़ी अकेली हो गई, क्योंकि साची का हस्बैंड डीवी उसको बिना बताए चला गया है। अभी डीवी ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। पति कैसे होते हैं शादी के बाद इन्फॉर्म नहीं करते हैं। खैर पूरी तो सब कुछ जाने के लिए आपको कहानी देखना पड़ेगा, एपिसोड देखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल साची को पता चला कि डीवी घर पर नहीं और 2 हफ्ते के लिए बाहर गया है उसे बिना बताए। इसके पीछे कोई चाल है घर वालों की, क्या लगता है आपको? पता नहीं, हो सकता है चाल हो या हो सकता है कि ना हो, लेकिन फिलहाल साची को ऐसा लग रहा है कि क्योंकि डीवी और साची के बीच में एक छोटी सी आर्गुमेंट हो गई थी, तो साची को ज़्यादा बुरा लग रहा है कि हमारी कोई बात ही नहीं हुई और डीवी भी चला गया। तो बिना बताए घर से चले, कितना मिस कर रहे हैं यहाँ पर चले गए हैं? अब साची तो बहुत मिस करेगी डीवी को आई एम श्योर, और हर एक वाइफ अपने हस्बैंड को मिस करती है। अगर हस्बैंड पास नहीं होता तो नेचुरली साची भी बहुत मिस करेगी डीवी को। रियल लाइफ में देखा जाए तो आप आपकी हस्बैंड को आप किस प्रकार मिस करते हैं, अगर वो घर पे ना रहे बाहर रहे और आप घर सडनली पहुंचे? मैं और मेरे हस्बैंड वैसे ही अलग अलग शहरों में रहते हैं, तो हाँ मैं अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ,
और जब वो आने वाले होते हैं तो मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ। हालांकि कभी कभी मैं दिखाती नहीं हूँ ज़्यादा एक्साइटमेंट, लेकिन उनको पता होता है और वो भी नहीं दिखाते कभी कभी एक्साइटमेंट। हम लोग ऐसे बिहेव करते हैं हाँ जैसे कुछ नहीं, तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन हम बहुत एक्साइटेड होते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए। और बस ऐसा ही, मैं बहुत मिस करती हूँ उन्हें और मेरे ख्याल से उनको पता है ये बात। अगर आपको कहीं घूमने उनके साथ जाना हुआ तो कौन से प्लेस पर विजिट करना चाहेंगे उनके साथ? मेरे और मेरे हस्बैंड की एक फेवरेट प्लेस है जो हिंदुस्तान में ही है, इंडिया में है, वो है गजनेर पैलेस जो बीकानेर के पास है राजस्थान में, और वहाँ वो मुझे लेकर गए थे पहली बार, तो वो हमारी फेवरेट जगह है, मैं बार बार वहाँ जाना चाहूँगी। और कुछ दर्शकों से मैसेज करना चाहेंगे आप? आप अपने जो जिन लोगों से आप बहुत प्यार करते हो, उनको जिनको आप दिल के करीब रखते हो, उनसे आर्ग्यूमेंट या मनमुटाव ज़्यादा नहीं कीजिएगा, क्योंकि आगे जाके आपको ही तकलीफ होगी। थैंक यू।